नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। 2019 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में मध्यम वर्ग को और किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़े ऐलान किए गए हैं। एक तरफ जहां इस बजट की सराहना की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे चुनावी बजट और जुमला बजट करार दिया है। एक्सपोज इंडिया से खास बातचीत में नेताओं ने अपनी राय रखी। सरकार ने 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट दे करके और मैक्सिमम किसान 2 एकड़ के हैं हिंदुस्तान में, उनको प्रति किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये तक एक खाद बीज आदि के लिए सहयोग दे करके एक संजीवनी का काम किया है। और गौ माता, जिसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था और गौ तस्करों और गौ रक्षकों में रोज़ भिड़ंत होती है और खूनी खेल खेला जाता है, गाय की नस्ल सुधार हो और गाय की इज्जत देश में बढ़े, इसके लिए एक बड़ा बजट सरकार ने देकर के अपनी मनसा, अपनी नीयत और अपनी नीतियां देश के सामने रखी हैं। मुझे लगता है ये बजट किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गौ माता के लिए और देश का जो मिडिल इनकम वाला जो आदमी है उसके लिए एक श्रेष्ठ बजट है। बजट ही है और क्या है, जो आगे का जिसको मालूम नहीं कि वो सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे, वो आगे एक साल भर के लिए व्यवस्थाएं बता रहे हैं। ये तो अगली सरकार जो आएगी वो तय करेगी। तो इनको तो सिर्फ जितना 3 महीने के लिए पैसा चाहिए था उतना इनको पास कर लेना चाहिए था, वही होता है, नॉर्मली वही होता है। कुल चुनावी बजट है और कायदे से तो इंटरिम बजट पेश होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो पूरा ही बजट पेश कर दिया है और बिल्कुल साफ साफ चुनावी बजट है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।